फातिमा, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती भी, जैसे किसी दुल्हन का हो। तो है ना? किसका है? मेरी दुल्हन का। मेरे लिए? हाँ, मैं चाहता हूँ कि उमेर अनिका की मंगनी पर तुम ये ड्रेस पहने। ताहिर, आप मेरे लिए इतना महंगा ड्रेस क्यों लेकर आए? अभी पिछले दिनों ही तो आपने मुझे कपड़े दिलाए थे। फातिमा प्लीज, ये छोटी छोटी बातें करना बंद करो। तुम्हारे हस्बैंड की सैलरी बढ़ चुकी है, अब मैं ये चीजें अफोर्ड कर सकता हूँ। ताहिर, लेकिन हमें फिर भी फजूल खर्ची से बचना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी खुशी फजूल खर्ची लगेगी। ताहिर, I'm sorry अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा है तो। नहीं, एक्चुअली क्या ना कि गलती मेरी है, मुझे तुम्हारे लिए कपड़े लेकर ही नहीं आने चाहिए थे। अच्छा ना, कान पकड़ के सॉरी। जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा है ऐसा। अब ठीक है? अब ठीक है। एक्सक्यूज मी, अब क्या हो गया? ताहिर, अगर पप्पू को पता चल गया तो? एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम अम्मी से इतना क्यों डरती हो। अम्मी को मैं समझा दूंगा, प्लीज उसकी फिक्र नहीं करो। और हाँ, मैंने अम्मी से यह भी कहा है कि इस दफा तुम पार्लर से तैयार होकर आओगी। नहीं मुताहिर, मैं घर पे ही तैयार हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, आप गुस्सा नहीं करें, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी, पक्का। Are you sure? Promise. इन दो बैग्स में क्या है बेटे? इनमें कुछ नहीं, बस वो फातिमा के लिए भी कुछ लेकर आया था। माँ के लिए एक जोड़ा और बीवी के लिए दो? नहीं अम्मी, एक एक में सूट था और दूसरे में ज्वेलरी। उसके लिए सूट भी और ज्वेलरी अलग, और मुझे सिर्फ सूट दिया। खैर कोई बात नहीं, तो मेरे लिए एक जोड़ा ले आए, यही काफी है। कम से कम माँ को याद तो रखा है। वो अगर आपको ज्वेलरी पसंद है तो आप रख लें, मेरे पास वैसे ही बहुत सारी ज्वेलरी है। नहीं भाई, रहने दो। अगर मैं ये ले लूंगी तो पूरे जमाने को बताऊंगी कि शौहर ने गिफ्ट दिया था, सास ने ले लिया।